गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये 10th D का कैमरा ऑन नहीं है, आई कांट सी। और अभी दो दो अभी आए नहीं है। ए 10th दे हैव एंटर्ड। 10th D का कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, अभी ठीक है, आई कैन सी। ठीक है जी, चलिए जी। सो वी वर डूइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंडीशंस हमने कर ली थी, कंडीशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ आवर फोकस इज ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, सेकेंड एंड थर्ड बोथ वी हैव डन। यस तो एज की प्रॉब्लम में हमने क्या कहा था, सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट बाय एज्यूमिंग दी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज एज्यूम करोगे, उसके बाद जो भी कंडीशन दी है, 5 ईयर हैंस और 10 ईयर हैंस, 5 ईयर अगो, उसके हिसाब से प्रेजेंट एजेस को मैन्यूपुलेट करोगे। और फिर कुछ भी जो कंडीशन दे रखी है, ट्वाइस है, थ्राइस है, 5 मोर, 3 लेस, वट एवर इज दी कंडीशन, के बाद आपको सिर्फ वर्ड्स पता होने चाहिए क्या क्या हम। ठीक है जी। चलिए जी। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, दैट इज डिजिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, मॉड्यूल 3, MCQ 5। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक सी चीज पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब कुछ उसी पर ही डिपेंडेंट है। अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर की बात कर रही हूं, आई टेक से यूनिट्स डिजिट एज एक्स एंड टेंस डिजिट एज वाई। यूनिट डिजिट एक्स ली है, टेंस डिजिट वाई ली है, तो सबसे पहली चीज आपने मुझे जो बतानी है, मेरा नंबर क्या होगा? इज इट एक्स वाई? अगर नंबर 32 है, मैंने कह दिया यूनिट डिजिट 2, टेंस डिजिट 32, तो मैथमेटिकली क्या मैं अपने नंबर को एक्स वाई लिख दूं? हेलो नहीं लिख सकते, क्योंकि मैथमेटिकली एक्स वाई का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। माई नंबर इज नॉट 6, सो हाउ टू फ्रेम द नंबर इफ आई नो यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट, वॉट विल बी द नंबर? टेन वाई प्लस एक्स 10y+x। यहाँ बताओ हमने कुछ नहीं किया, एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसको हमने यहाँ पर यूज किया है। क्या किया आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे? टेंस प्लेस पर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट इसमें ऐड कर दिया। सपोज अगर मेरे पास एक 3 डिजिट का नंबर हो और मैं इसकी एक्सपांडेड फॉर्म बोलूं, तो कैसे लिखेंगे? 100 +5 × 10 + 2। जिस प्लेस पर पड़ा होता है मेरे पास नंबर, उस प्लेस से मल्टीप्लाई। 10th प्लेस है तो 5 × 10, 100th प्लेस है तो 4 × 100, यूनिट प्लेस है तो × 1। आई कैन से आई डू, दिस इज हाउ वी राइट द नंबर्स। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर 10th डिजिट वाई है, तो 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट इसमें ऐड कर दिया, सो दिस इज माय नंबर। अगर इतनी बात मालूम है, तो इसके क्वेश्चंस में कभी गलती होने का सीन है नहीं। यूनिट डिजिट एक्स ली, 10th डिजिट वाई ली, तो नंबर अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडेड फॉर्म कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी 10y+x। फिर इसमें जनरली जो बोला जाता है, आफ्टर रिवर्सिंग दी डिजिट्स द न्यू नंबर इज पहले वाले से कम, ज्यादा कुछ भी। इफ आई रिवर्स द नंबर, रिवर्स द डिजिट, रिवर्स द डिजिट का मतलब ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो अभी नंबर हो जाएगा 10x। बाय। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, क्योंकि आगे तो सिर्फ कंडीशंस लगानी है और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो द ओनली पॉइंट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, आपने जो भी यूनिट डिजिट एज्यूम करी है, जो 10th डिजिट एज्यूम करी है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर कैसे बनना है, वो बात समझ में आनी चाहिए। रिवर्स कर दिया एक्स और वाई को, इंटरचेंज, वाई की जगह एक्स ले लिया, एक्स की जगह वाई ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 5th। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। चलिए जी, जो कुछ पढ़ते जाएं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, सारा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं होती। एक कंडीशन पढ़ी, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर, फिर आगे चले, दूसरी जो बात आई उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। सारे एक बार पढ़ लेते, कई बार कंफ्यूजन हो जाते, लेकिन
हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी हो कि पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आए, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे यहां हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8, मैंने डिजिट्स एज्यूम कर रखी हैं एक्स एंड वाई, तो इस कंडीशन को अगर इक्वेशन की फॉर्म में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो कैसे लिखूं, एक्स प्लस वाई इज 8, डिजिट्स हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर 8 मिल रहा है। फिर इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54। अब मुझे क्या कहा गया कि मैंने एक्स और वाई लेके ये नंबर बनाया, लेकिन अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, को अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड तो नंबर डिक्रीज हो जाता है 54 से। तो पहले सबसे मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि ये जो पुराना नंबर था वो बड़ा है कि जो नया बना है वो बड़ा है। पुराना पुराना बड़ा, क्योंकि मुझे क्या कहा गया, जब मैंने डिजिट्स को रिवर्स किया तो नंबर डिक्रीज्ड बाय 54, जो पहले वैल्यू थी मेरे नंबर की, अब नई वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम है। लेट अस से मेरे पास नंबर हो 82, जब मैं डिजिट्स को रिवर्स करूंगी तो बनेगा 28। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज। अगर पहले 28 होता अब 82 कर दूं तो वैल्यू। अब मुझे क्या कहा जा रहा है, डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो वैल्यू है, नंबर जो है वो 54 डिक्रीज हो गया है, मतलब जो नया नंबर है वो इसके कंपैरिजन में छोटा है। कितना छोटा है, 54। तो अब इस बात को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। लिखो जी, बताओ क्या करोगे। चलिए जी, कौन बताएगा मुझे, 10th F से महक, महक फ्रॉम 10th F, वेर इज महक, आ जाओ बच्चे आगे आ जाओ और इक्वेशन बनवा दो मुझे। मुझे कहा गया जब मैंने डिजिट्स को रिवर्स किया तो नया नंबर 54 डिक्रीज है ओरिजिनल के कंपैरिजन में, तो इक्वेशन क्या बनाऊं बेटा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये तो बन गई बेटा, आगे चलो, उससे आगे बढ़ गए हम। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 तो बन गया, वो तो पहला सेंटेंस पढ़ा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 8, वो तो बन गया। दूसरी बात कह रहे हैं, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो नंबर डिक्रीज्ड बाय 54, इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ये पूछ रही हूं मैं। ये वाला नंबर इसके कंपैरिजन में 54 कम है, इस बात को मैथमेटिकली लिखूं कैसे लिखूं। बहुत मुश्किल बात है ये बताना। हाँ जी, एनीवन एल्स फ्रॉम 10th F, मन्नत, y प्लस एक्स माइनस 54। 10y प्लस एक्स माइनस 54 इज इक्वल टू व्हाट। नेक्स्ट प्लस वाई 10x प्लस वाई, एज सिंपल एज दैट। ये वाला नया नंबर इसके कंपैरिजन में 54 कम है, मतलब इसमें से 54 माइनस कर दो तो ये मिलेगा। ठीक है जी, चलो जी जाओ दोनों सीट पर। सोचने को थोड़ा सा, भाई मैंने एक बार पहले भी आपको बोला है क्लास, थोड़ा दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डाला। सिंपल सी बात, इससे आसान तरीका कुछ है नहीं क्वेश्चन पूछने का। आपको कहा गया नया नंबर 54 डिक्रीज हो गया है, मतलब इसमें से 54 निकाल दूं तो नया नंबर मिलने वाला है मुझे। सो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज 54,
10y - y = 9y - 9x = 54. 9 कॉमन निकाल दूं तो y माइनस एक्स इज 6. अब ये एक इक्वेशन पढ़ी है, एक ये पढ़ी है, माइनस एक्स प्लस वाई इज 6. सॉल्व करके इक्वेशंस को एक्स और वाई मिल, आई कैन गेट एक्स एंड वाई. ये कैंसिल, 2y = 14, y = 7, और वाई 7 है तो एक्स, मुझसे डिजिट्स नहीं पूछी जा रही है, मुझसे पूछा जा रहा है नंबर. नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है. 10y + x, y हमने ले लिया है 7, सो 70x1, सो आंसर इज 71. एंड यू कैन सी, अगर मैंने इसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो 17 बना, दोनों में डिफरेंस 54 का है. ठीक है जी, ओरिजिनल नंबर 71 रिवर्स करने से मुझे कहा जा रहा था कि डिजिट की वैल्यू कम हो गई है. कितनी कम हुई है, 54. तो मैंने क्या किया, जो पहले वाला नंबर था उसमें से 54 निकाल दूं तो नया नंबर मिल जाएगा. या मैं कैसे सोच सकती थी कि जो नए पुराने वाला नंबर है और जो नए वाला नंबर है दोनों का डिफरेंस 54 है. और आई कुड हैव रिटन पुराने वाला नंबर नए नंबर में 54 ऐड करके आ रहा है. चाहे मैं ऐसे समझ लूं क्वेश्चन को, चाहे मैं ऐसे समझूं या फिर ऐसे समझूं, बात सेम है. ये दिस इज ओनली व्हाट यू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट. तीनों ही सिचुएशंस में कुछ भी गलती नहीं है एक ही रिजल्ट पे पहुंचने वाले. एक ही बात को समझने के दो तीन अलग अलग तरीके. नया नंबर पुराने से कम है, इसका मतलब पुराने नए वाले नंबर में जितनी कमी है वो डाल दूं तो पुराने वाले के बराबर हो जाएगा. कम है मतलब दोनों का डिफरेंस 54 होगा. किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन को. और ये चीज तभी आएगी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरी बात थोड़ा सा दिमाग पर सोचने के लिए दिमाग को मजबूर करेंगे. दिमाग तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं भगवान ने, ऐसी बात नहीं है. बाकी सब जगह चल जाते हैं, पढ़ाई के टाइम पे आके थोड़ी सी बेचारा ढीला छोड़ देते हो आप दिमाग को. आप सोचते हैं यहाँ खर्चने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दिक्कत है बस. ठीक है जी, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू का थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं. अभी हम चलेंगे केस स्टडी पर. पढ़ लो जरा जल्दी से केस स्टडी. और मैंने अब खड़े करके पूछना है स्टूडेंट्स को रैंडमली कहीं से भी, किसी भी क्लास में से, कि क्वेश्चन में से क्या समझ में आ रहा है और कैसे कैसे बनाएंगे स्टेप्स हम. तो ध्यान से पढ़ लो जरा केस स्टडी, बहुत आसान है. ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो ऑलरेडी. हाँ जी, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया. क्वेश्चन में क्या कहा गया, देयर आर टू फ्रेंड्स हु आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल. एक जो है अनु जो है, शी स्टेज इन द हॉस्टल, शी टेक्स फूड इन द हॉस्टल फॉर 25 डेज एंड पेज ₹4500 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज बिंदु स्टेज और टेक्स द फूड फॉर 30 डेज एंड पेज द चार्जेस एज ₹5200. And before that, एक बात बोल दी गई, the part of monthly hostel charges in a college is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken the food. इसका मतलब जो monthly charges हैं, सबसे पहले question को पढ़ते ही mind में हमारी दो बातें, जो monthly charges हैं उसके दो part हैं. One is fixed and another one depends upon number of days one has taken the food. ये दो चीजें हैं. ये तो फिक्स्ड है, आप चाहे हॉस्टल में एक दिन रहो, एक दिन भी ना रहो, 30 के 30 दिन रहो, ये चार्जेस तो आपको देने ही हैं, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं. लेकिन
दूसरा पार्ट जो है ये वेरिंग है, ये डिपेंड कर रहा है आप जितने दिन वहां पर रह करके यू विल टेक द फूड फॉर दोज मेनी डेज यू हैव टू पे, रेस्ट यू नीड नॉट टू पे। अब एक चीज और बोल दी गई, जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनको क्या कह दिया गया है, ₹X, और फूड के चार्जेस पर डे, फूड चार्जेस पर डे इज ₹Y। अगर आप एक दिन रहोगे तो ₹Y पे करोगे, दो दिन रहोगे तो ₹2 पे करोगे, 10 दिन रहोगे तो ₹10 पे करोगे, 15 दिन रहोगे तो ₹15 पे करोगे। ये तो देने ही देने हैं, अलोंग विद इट पर डे के हिसाब से जितने दिन आपका स्टे होगा उतने दिन के एडिशनल चार्जेस आपने देने हैं। ये बात जिस जिसको समझ नहीं आई है हाथ खड़ा कर दो, या तो फिर माइक के पास आकर के पूछो, क्योंकि मैंने अब इक्वेशंस पूछनी है, और अब अगर आंसर गलत हुआ तो फिर वही टीचर भी खड़े हैं, दो दो लगवा भी देने में। हाँ जी, एनीबडी हु इज नॉट एबल टू मेक आउट टिल दिस पॉइंट, क्या हमने बात कही? हॉस्टल चार्जेस दो पार्ट में लिए जा रहे हैं, एक फिक्स्ड है, उसका नंबर ऑफ डेज से कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी दिन ना रहो या आप सारे दिन रहो, आपको वो चार्जेस देने ही देने हैं। दूसरा पार्ट वेरी कर रहा है, जितने दिन आप फूड ले रहे हो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। तो अब 10th D से रहमत, रहमत फ्रॉम 10th D, आजा बच्चे, और आपने अन्नू ने जो पेमेंट करनी है या जो भी कुछ है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी इक्वेशन है वो मुझे बता। बोल बच्चे, आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी, आपका माइक ऑफ है क्या? रिपीट करना। मैं रिपीट तो कर देती हूँ, पर इतनी देर से आप पहले ही बताओ, आपने क्वेश्चन रीड किया? रहमत, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? नो no. क्यों, कोई वजह समझ सकते हो, पूछ सकते हो मैं क्यों नहीं पढ़ा आपने क्वेश्चन? बहुत बिजी थे, कुछ और कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो भी बता दो। क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा आपने? पिछले कम से कम 3 मिनट से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन चल रही है, आप कर क्या रहे थे क्लास में ये बताओ पहले मुझे। केस स्टडी पढ़ रहे थे। ये केस स्टडी है शायद जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्या पढ़ा आपने केस स्टडी में बताना? हाँ शाबाश, समझाओ मुझे क्या पढ़ा आपने केस स्टडी में, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट केस है जिसमें हॉस्टल के चार्जेस फिक्स्ड है, सेकंड में ऐसे डेज के वाइज देने पड़ेंगे चार्जेस। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा हॉस्टल में दो फ्रेंड्स रह रही हैं, एक अन्नू और एक बिंदु, ठीक है जी। जो अन्नू है उसने 25 दिन तक स्टे किया और 4500 पेमेंट करी है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनाओगे वो बता दो मुझे। फिक्स चार्जेस को हम एक्स ले रहे हैं और पर डे चार्ज को वाई दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, अन्नू की जो सिचुएशन है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं ये बताना है। X+25Y = 4500। X+2Y = 4500, वेरी गुड, गो टू योर सीट। 10th D, चेतन, चेतन फ्रॉम 10th D, वेर इज चेतन? ही इज एब्सेंट। ओके, पंकज, पंकज फ्रॉम 10th D, हाँ दोनों कट्ठे कट्ठे बैठे हैं दोस्त, आ जाओ फटाफट। पंकज आपने पढ़ ली केस स्टडी की नहीं? Yes. चलो फिर, अब आपने मेरे को बिंदु की सिचुएशन को है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। X+30Y = 5200। ठीक है जी, जाइए अपनी सीट। ये फिक्स चार्जेस, अनु स्टेज देयर फॉर 25 डेज, एक दिन का ₹Y, तो 25Y हो गया, 25 डेज का चार्ज, दोनों मिलकर के 4500, सेम इज हियर। तो पहले का आंसर बन गया आपके पास ए।
जी। अब मेरे को 10th C से रितिका, रितिका फ्रॉम 10th C। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अबव सिचुएशन, मतलब ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इनका कैसा सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और नन ऑफ दीज। क्या सिचुएशन है ये बताएंगे आप? बी कौन सा, बी बी या डी? बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली? बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा था A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, सो आई एम गोइंग टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। गो टू योर सीट बच्चों। हाँ जी, अब जल्दी से जरा इनको सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि मेरे से जो अगले दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें फिक्स्ड चार्जेस का अमाउंट पूछा जा रहा है और कॉस्ट पर डे पूछा जा रहा है। फिक्स चार्जेस मीन्स मुझसे एक्स निकालने को कहा जा रहा है, और पर डे का मतलब मुझसे वाई निकालने को कहा जा रहा है। निकाल दीजिए दोनों, एक्स एज वेल एज वाई, एंड टेल मी आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस व्हाट एम आई गोइंग टू गेट। एलिमिनेशन विल बी द इजिएस्ट हियर। एक्स और एक्स पड़ा है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्ट्रैक्ट हाँ इक्वेशंस को, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। पर 140 कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब वाई की वैल्यू 140। लेट अस चेक इट आउट। हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से आएगा -5 वाई, और यहां से हो गया 700, -700, -5200 है, तो वाई हुआ 700 डिवाइड बाय 5, सो 140। इसका मतलब जो कॉस्ट है फूड की पर डे, दैट इज ₹140। अब ये वैल्यू वाई की हम किसी भी इक्वेशन में डाल करके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1000 1000। एक्स प्लस 25 × 140 इज इक्वल टू 4500, सो एक्स हो गया 4500 माइनस 7, 28 और 7, 3500, सो एक्स की वैल्यू है 1000 रुपीज। सो फिक्स्ड चार्जेस आर ₹1000 एंड पर डे चार्जेस 140। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया सी और फोर्थ का हो गया सी। बोथ हैव गॉट द आंसर एज सी। पर डे चार्जेस 140, फिक्स्ड चार्जेस 1000। 10th B से वरुण, वरुण फ्रॉम 10th B। सारे बैक बेंचर्स क्यों आ रहे हैं आज मेरे सामने? आ जाओ बताओ बेटा, 5th क्वेश्चन में क्या करोगे? इफ बिंदु टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड व्हाट अमाउंट शी हैज टू पे, क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर बिंदु 20 दिन फूड ले तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये मुझे बताना है। मैंने, हाँ बोलो, शाबाश, बोलो बोलो। हाँ जी, 140 140 × 20, बस इतना ही देना पड़ेगा बेटा। 20 दिन वो रही तो ये 20 दिन के फूड चार्जेस, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे ना, वो तो फिक्स है, हर किसी को देने ही है। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा और मुझे 1000। ये बात समझ में आई बच्चे? वरुण, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है जी। तो पर डे के हिसाब से 20 डेज का फूड लिया तो पर डे का चार्ज 140 था × 20, लेकिन ये फिक्स्ड इज देयर, इट इज टू बी गिवन बाय एवरीवन। ठीक है बच्चे, जाओ सीट पर। तो यहां से मेरे पास जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी 3800। सो 5th का आंसर हो गया डी, 5वें का आंसर डी है, 4थे का सी है, 3रे का सी है, 2nd का बी फॉर बॉम्बे, 1st का ए। चलिए जी, अब इस मॉड्यूल को पहले कंप्लीट करने के लिए हम चल रहे हैं 4th MCQ पर। 4th MCQ में थोड़ा सा ज्यादा हमें सोचना पड़ेगा, इसीलिए इसको अभी के लिए पहले छोड़ा था। मैं थोड़ा सा पहले एक बारी
दिमाग पर जोर डालना शुरू कर लें, फिर बात करेंगे। देखो जी क्या कहा जा रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर्स आर रिवर्स्ड। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे टू डिजिट के कर रहे थे, अब हमने क्या कह दिया, थ्री डिजिट नंबर्स। लो जी, थ्री डिजिट नंबर मतलब मैंने टेंथ डिजिट को लिया, यूनिट्स को लिया, यूनिट्स डिजिट इज से एक्स, टेंथ डिजिट इज वाई, एंड नाउ हैव टू टेक 100 डिजिट एज से जेड। तो सबसे पहले मुझे बताओ नंबर क्या बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगना है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये तीन मैंने लिए हैं नंबर, तो मेरे पास ये तीन डिजिट्स लिए हैं एक्स वाई जेड, तो नंबर क्या बना ये बताना आप। 100z+10y+x। परफेक्ट, हमने एक एग्जाम्पल भी अभी लिया था, सपोज मेरे पास हो 312, तो मैं क्या कहूंगी, 3 × 100, 1 × 10 + 2। 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट डिजिट को ऐसे 1 से मल्टीप्लाई। तो ये है मेरे पास थ्री डिजिट का नंबर 100z+10y+x। अब क्या कर दिया मैंने, डिजिट्स को कर दिया है रिवर्स। अब जब मैं यहां पर डिजिट को रिवर्स कर रही हूं, मतलब मैं क्या कह रही हूं, 213, 312 को क्या बना दिया, 213, मतलब जो मिडिल डिजिट है ये तो बेचारी सही रही, ये तो कहीं गई नहीं। इसका मतलब अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये एक्स ये वाई ही रहा, ये बन गया एक्स। तो जो नया नंबर है वो क्या होगा, हंड्रेड एक्स प्लस 10y+z। ये था मेरा ओरिजिनल नंबर, ये बन गया आफ्टर रिवर्सिंग, तो आई सेट दिस टू बी न्यू नंबर। अब फिर से यहां क्या कहा गया, थ्री डिजिट नंबर की जब डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो नंबर सो ऑब्टेन्ड इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। सेम सिचुएशन है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी टू डिजिट वाले में, जो नया नंबर मिल रहा है वो इसके कंपैरिजन में 297 कम है, लेस है। अगर 297 लेस है, इसका मतलब 100z+10y+x में से अगर मैं 100x+10y+z को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 297। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10y-10y तो कैंसिल हो जाएगा, 100z में से z जाएगा तो 99z, और x माइनस 100x मींस माइनस 99x इज इक्वल टू 297। z माइनस x कितना बन जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ z माइनस x आई एम गेटिंग एज 3। यहाँ पर देखो जी ये बना 99, दोनों से बाहर लिया, z माइनस x एज 297। सो z माइनस x निकालने के लिए दोनों तरफ 99 से डिवाइड, 99 थ्री इज 297, सो z माइनस x इज बिकमिंग 3। ये एक कंडीशन मेरे पास आ गई। फिर क्या बोला गया, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 8, इसका मतलब sum of the digits of the number is 8, मतलब x plus y plus z is equal to 8, और दूसरी बात z minus x is equal to 3। अब मेरे से पूछा गया and its hundredth digit मेरे पास है z, has the largest possible value than the tens digit of the number is। हमसे पूछा गया उस सिचुएशन में जब हंड्रेड डिजिट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ले, तो टेंस डिजिट की वैल्यू क्या है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करूं, विच वन इज द ग्रेटेस्ट डिजिट विच इज अवेलेबल विद मी, 9, एंड स्मॉलेस्ट इज जीरो। लेकिन इस
अगर मैं कंडीशन को देखती हूँ तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, जेड नाइन वैल्यू तो नहीं ले सकता क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 8 करना है तो जेड 9 तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता। जेड 8 भी वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि अगर एक्स और वाई दोनों को मैंने 0 कर दिया तो फिर मेरा जो नंबर है वो तो सिंगल डिजिट का बच जाएगा। तो ऐसे एक दो चीजें तो मैं छोड़ पा रही हूँ कि जेड को ना तो 9 वैल्यू दे सकते हैं ना 8 दे सकते हैं, अब बाकी देखना है 7, 6, 5 में क्या वैल्यूज दे सकती हूँ क्या नहीं दे सकती। एक बात, दूसरी बात, यहां पर 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशन हैं। जब भी बच्चों नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो इक्वेशंस कम हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स नहीं निकाल सकते, आपको हिट एंड ट्रायल से चलना पड़ता। अगर मुझे पूरी तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जितने अननोन उतनी इक्वेशंस होनी पड़ेंगी, तभी बात बनती है वरना बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ जेड को लिख दिया 3 + x, लिख सकती हूँ, कैन आई टेक जेड एज 3 + x, यहाँ पे डाल देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 3 + x इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास आ गया 2x + y इज इक्वल टू 5। दो वेरिएबल में मैन्युपुलेशंस आसान है एज कंपेयर टू 3 वेरिएबल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाई इसमें डाल दी, जरूरी नहीं है जेड डालना, आप एक्स भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस, किसको मर्जी डाल। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना आएगा, अगर मैं x को 1 ले लूं तो y, और और कैसे, x को 1 लोगे तो y 3, x को 2 ले लें तो वन y 1, कैन आई टेक x एज 3, है पॉसिबल x को 3 लेना, नो नहीं ले सकते क्योंकि एक्स को 3 लिया तो वाई नेगेटिव में चले जाएगा, डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल सिचुएशंस है, अब इन पॉसिबल सिचुएशन में जेड हम देख लेते हैं क्या बनना चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 8, एक्स 0 हो वाई 5 हो तो जेड कितना होगा 3, ये 1 ये 3 तो ये कितना होगा 4, ये 2 1 और तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, जो 100th डिजिट है उसको मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या दे सकती हूँ, और उस सिचुएशन में 10th डिजिट पे क्या पड़ा है, तो मेरा आंसर हुआ सी, सी आंसर दैट इज 1। एक बार दोबारा देख लो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास पेपर में आ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको आपकी थॉट प्रोवोक, थॉट्स सुनते हो ना, हायर ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसको एनहांस करने के लिए एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आप सोचते हो तो सिर्फ ये होता है कि एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे करे हुए से डिफरेंट आए तो हमें कैसे सोचना है, किन लाइंस पर चलना है, वो बात हम समझ सकते हैं। मैं दोबारा एक बार सारा रिपीट कर दे रही हूँ, हमने डिजिट्स ली एक्स वाई जेड, नंबर हो गया 100z + 10y + x, डिजिट्स को रिवर्स किया तो नंबर बन गया 100x + 10y + z। जैसे हम 2 डिजिट में बात कर रहे थे कि रिवर्स करने पर नंबर डिक्रीज हुआ, यहां पर भी वही सिचुएशन है, तो ये माइनस ये करके डिफरेंस 297 का रिजल्ट मेरे पास सिचुएशन आ गई, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। और दूसरी बात क्या दे रखी थी, सम ऑफ डिजिट्स वाज 8। मुझसे पूछा गया जब 100th डिजिट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेगी उस सिचुएशन में 10th डिजिट क्या होने वाली है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके इसमें डाल दी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में मैन्युपुलेशन करना आसान है, एक को एज्यूम कर लिया एक की वैल्यू निकाल दी, लेकिन 3 चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जेड की वैल्यू यहाँ डाली, सिचुएशन बन गई 2x + y इज इक्वल टू 5। हमने एक्स को वैल्यू देना शुरू किया, एक्स को 0 लिया तो वाई की वैल्यू, ऐसे चलते चलते हमें पता चल गया कि एक्स को 2 से बड़ी वैल्यू नहीं दी जा सकती।
एंड इन दिस होल सिचुएशन जेड हंड्रेड प्लेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू 5 बन रही है और उस सिचुएशन में 10 डिजिट की वैल्यू 1 बन रही है. ठीक है जी, तो ये आपका मॉड्यूल 3 वी हैव फिनिश्ड ऑफ. इस मॉड्यूल को एक बार दोबारा देख लो, जिसको कोई प्रॉब्लम है, एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, तो पहले वो पूछो, फिर हम अगले मॉड्यूल की बात करेंगे. पहले इसकी क्लैरिटी कर लें, इसमें कोई डाउट तो नहीं. इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए वो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं और दूसरा हमने किए हैं एज बेस्ड क्वेश्चन. ये दो तरह के क्वेश्चन हमने इसमें किए और केस स्टडी में वो वाली चीजें जब जहां पर एक पार्ट फिक्स्ड और एक वेरिंग होता है, वो टाइप हमने यहाँ पर कवर अप कर ली, अलॉन्ग विद कंडीशंस कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, नो सॉल्यूशन कब आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं. किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो बच्चों. चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मॉड्यूल 4 का पहले हम करेंगे असम्पशन रीजन. असम्पशन रीजन मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो कंडीशन बेस्ड ही मिलते हैं इस चैप्टर में से. चलिए जी, फटाफट पढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ. If a pair of linear equation is consistent, then the lines are intersecting or coincident. True. Consistent का मतलब है सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे यूनिक हो जाए और चाहे इनफाइनाइट हो जाए. और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो असर्शन हुआ ट्रू. रीजन, कोइंसिडेंट लाइंस डेफिनेटली हैव अ सॉल्यूशन. ट्रू, कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो सॉल्यूशन तो उसके होने ही वाले हैं. तो रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर इन दिस केस इज बी. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी. अगला देखो जी, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. पेयर आपको जो दे रखा है दैट इज -3x -4y -12 = 0 एंड 3x +4y -12 = 0. कहा जा रहा है ये है इनकंसिस्टेंट. तो सबसे पहले इनकंसिस्टेंट का मतलब कैसी लाइंस? कंडीशन याद कर लेते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. चेक करो ये कंडीशन आपकी मीट हो रही है कि नहीं. ध्यान से कर लो, नहीं हो रही. -3/3 हो रही है, हो रही है. -4/4 -12/-12. ये -12 -12 यहां से आया -1, यहां से -1, यहां से 1. सो सिचुएशन आपकी मीट हो रही है. a1/a2 -1 दे रहा है, b1/b2 भी -1 दे रहा है, लेकिन c1/c2 1 दे रहा है. सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. सो असर्शन है ट्रू. व्हाट अबाउट द रीजन? ट्रू. क्या एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन का? yes. तो आंसर क्या हो गया? चलिए जी, 8th पे चलते हैं. द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सिंगल पॉइंट. ट्रू. जो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं होती दो लाइंस की. तो असर्शन हो गया ट्रू. और रीजन में क्या बोला जा रहा है? द टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं. सो आंसर इन दिस केस इज. चलिए जी, 9th पे चलते हैं.
If the lines intersect at a point, then that point gives the unique solution of the two equations. In this case, the pair of equation is consistent. True. इसका मतलब assertion मेरा हुआ true. Reason: pair of linear equations given by this, if then pair of linear equation is consistent. बोलिए जी. False. ये हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन है और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन आता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है. तो यहां पर अब आंसर क्या हो जाएगा? सी सेशन ट्रू रीजन फॉल्स. सो आंसर इन दिस केस इज सी. अब चलिए जी, केस स्टडी पढ़ लो और कोई भी बच्चा ऐसा ना मुझे मिले जो कहे जी मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक. केस स्टडी फिर से मैंने बुला करके सॉल्व करवानी है माइक के ऊपर. आई कैन कॉल एनीबडी. सो रीड दी case study very very carefully. I'm giving you 2 minutes, just go through the case study. शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए सारे. फर्स्ट पैराग्राफ में तो सिर्फ कहानी सुना रखी है. जोधपुर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ऑफिशियली द सेकेंड मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द स्टेट. हिस्टोरिकली द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मारवा. ये वो हमारा काम शुरू हो रहा है अगले पैराग्राफ से. लास्ट ईयर वी विजिटेड जोधपुर इन अ ग्रुप ऑफ 25 फ्रेंड्स. व्हेन वी वेंट मेहरानागढ़ फोर्ट वी फाउंड फॉलोइंग फेयर फॉर राइड. हॉर्स राइड नॉर्मल आर्स में जाएं तो 50 रुपए, पीक आर्स में जाएं तो थ्री टाइम्स ऑफ नॉर्मल चार्ज. राइट, सेम इज ट्रू फॉर एलिफेंट राइड. नॉर्मल आर्स में 100 रुपए लेते हैं लेकिन पीक आर्स में 2 टाइम्स फेयर लेते हैं. सम पीपल चूज टू राइड ऑन हॉर्स एंड रेस्ट चूज टू राइड ऑन एलिफेंट. कुछ लोग जो 25 लोग हम गए थे उनमें से कुछ ने कहा हॉर्स राइड लेंगे, कुछ ने कहा एलिफेंट राइड लेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कह रहा कि मैं कोई सा भी नहीं लूंगा. एटलीस्ट वन, मतलब दोनों में से कोई एक सबने ली है. नाउ फर्स्ट डे वी रोड इन नॉर्मल आवर्स एंड वी पेड 1950 फॉर द राइड. एक्स इज द नंबर ऑफ हॉर्सेज हायर्ड, वाई इज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स हायर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट मॉडल द प्रॉब्लम. चलिए जी, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी बना लो इक्वेशन फटाफट. जल्दी से जल्दी से. आई कैन कॉल एनीवन. हाँ जी, बन गए क्वेश्चंस. मुझे कहा गया जो 25 लोग गए सबने कुछ ना कोई राइड जरूर ली है. नॉर्मल आर्स में जा रहे हैं और 1950 रुपीज पे कर रहे हैं राइड के. तो इक्वेशंस आपने मुझे बतानी है क्या बनने वाली हैं. 10th ई हिमानी. हाँ जी बेटा बोलो. 10th ई
हिमानी, हमें यहां पर कहा गया हॉर्सेस जो हमने लिए हैं वो एक्स हैं, मैम ए ऑप्शन। एलिफेंट वाई, ए ऑप्शन। ए कैसे निकाला बेटा बोलो, ए कैसे आएगा एक्सप्लेन कर दो, अगर ए आपका आंसर है तो कैसे है। टोटल पर्सन्स आर 25, एक्स हॉर्सेस आर हायर्ड एंड वाई एलिफेंट्स आर हायर्ड। ए में पहली इक्वेशन बना रहे हैं 2x + y इज इक्वल टू 25, कैसे बनेगा बेटा ये बताओ मुझे, 2x + y 25। बोल बच्चे कैसे बनाया। एक्स हॉर्सेस वाई एलिफेंट लिए गए, टोटल लोग 25 हैं, तो 2x + y 25 कैसे आएगा, क्या बनना चाहिए। एक्स प्लस मानी 2x कैसे आया था बेटा, गलती समझ में आई, चलो सीट पे चलो आप। एक्स हॉर्सेस वाई एलिफेंट्स आर टेकन एंड टोटल पीपल हु विजिटेड इज 25, सो हॉर्सेस एंड एलिफेंट दोनों का मिल करके काउंट होना चाहिए 20। चलिए फाइव। जी, अब मुझे बताना है 10th ई में से ही हिमांशु, हिमांशु फ्रॉम 10th ई, बोलो बेटा अगली इक्वेशन बताओ कैसे बनाएं। x+2y=39। x+2y = 39। बेटा मुझे इक्वेशन शुरू से बनवाओ, ये आंसर पे आ गए हो, आंसर करेक्ट है बट आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव डन, कैसे पहुंचे हो यहां पर ये बताना है आपने मुझे। एक्स हॉर्सेस हैं और हॉर्स का नॉर्मल आवर्स में जो रेंट है वो है 50 रुपीज, इसका मतलब हॉर्सेस के लिए कितना रेंट पे किया गया, 50 रुपीज। 50 रुपीज पर हॉर्स, एक्स हॉर्सेस तो 50x। हाँ जी, अब एलिफेंट्स का कितना फेयर पे किया गया, 100 वाई, और टोटल है मेरे पास 19 50। बिल्कुल ठीक है जी, अब अगर मैं 50 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो x+2y, और जब इसको 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर बन रहा है 39। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट आई एम गेटिंग, x+y = 25, नॉर्मल आवर्स में एक हॉर्स के लिए 50 रुपए लगते हैं, तो एक हॉर्स के 50 तो एक्स के 50x, एक एलिफेंट के वाई तो सॉरी हाँ एक के 100 रुपए तो वाई के 100 वाई, टोटल फेयर मैंने दिया था 1950 रुपए। अब जल्दी से पहले इनको सॉल्व कर लो, करो जल्दी से सॉल्व, और पहले ये बता दो जिसको इक्वेशन समझ नहीं आई हो, दोनों इक्वेशन में से अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछो। और अगर समझ में आ गई है तो इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्योंकि अगले दो क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, हाउ मेनी हॉर्सेस वर हायर्ड एंड हाउ मेनी एलिफेंट्स वर हायर्ड, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है। y14 हाँ जी, x साइड y14 x 11, अगेन सिंपल सब्ट्रैक्शन से मेरा काम हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, -y = -14, तो y की वैल्यू आ गई 14, जब y को 14 डालोगे तो x आ गया 11, इसका मतलब 11 हॉर्सेस वर हायर्ड एंड 14 एलिफेंट्स वर हायर्ड, इसका मतलब सेकंड में हमसे पूछा गया था हॉर्सेस तो आंसर हो गया डी, डी फॉर दिल्ली, और थर्ड में पूछा गया था एलिफेंट्स तो उसका आंसर हो गया है
बी दैट इज 14। नेक्स्ट डे वी रोड इन पी कार्स, देन हाउ मच टोटल फेयर वॉज पेड बाय आर ग्रुप। अब इस केस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल जितने लोगों ने हॉर्स राइड ली थी आज भी उतने ही लोगों ने ली है, और जितनों ने पिछले दिन एलिफेंट राइड ली थी आज भी उतने ही लोगों ने एलिफेंट राइड ली है। अब मेरे से पूछा गया टोटल कितने पैसे हमने दिए होंगे। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द नॉर्मल आवर्स वी आर गोइंग इन टू द पी कार्स। अब पी कार्स में मेरे पास हॉर्स का रेंट और एलिफेंट का रेंट 10th ए से नहीं 10th बी से अंजलि, अंजलि फ्रॉम 10th बी। बेटा सबसे पहले तो मुझे बताओ पीक आवर्स में एक हॉर्स के लिए हाउ मच डू आई नीड टू पे। थ्री टाइम्स दी नॉर्मल फेयर, थ्री टाइम्स नॉर्मल फेयर मीन्स 50 × 3 ₹150 देने पड़ रहे हैं, और एलिफेंट के लिए कितने देने पड़ रहे हैं बेटा 200। टू टाइम्स, पहले ₹100 दे रहे थे, टू टाइम्स करने का मतलब है अभी ₹200 देने पड़ रहे हैं। मुझसे पूछा गया बच्चे कि अगर 11 हॉर्सेस लिए और 14 एलिफेंट लिए, ये मेरे पास चार्जेस हैं, सो टोटल मैंने कितनी पेमेंट की, कैसे निकालूंगी। बोल बेटा, अंजलि कैसे निकालूं बेटा टोटल फेयर। हाउ मच टोटल फेयर कैसे निकालूं। अंजलि आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपकी माइक ऑफ है क्या या आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ। एक हॉर्स के लिए ₹150, तो 11 के लिए 150 × 11 जाओ बेटा सीट पे। एक एलिफेंट के लिए ₹200, तो 14 के लिए 200 × 14, सो वट एवर इट कम्स आउट टू बी दैट विल बी योर आंसर। निकाल लो क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए ये निकालना पड़ेगा, तभी अगला क्वेश्चन निकलेगा। कैलकुलेट करो इसको। 4,450 rupees। तो फोर्थ का आंसर हो गया है सी। और लास्ट में पूछा गया व्हाट वाज द इंक्रीज इन टोटल फेयर बिकॉज ऑफ पीक आवर्स राइट, कितने पैसे मुझे ज्यादा देने पड़े। 2500। 4450 अभी दिए, 1950 पिछले दिन दिए थे, तो कितने ज्यादा देने पड़ेंगे। 2500। तो आंसर हो गया अब आपका ए, ₹2500 ज्यादा देने पड़े बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द नॉर्मल आर नाउ वी वेंट इनटू द पी कार्स। हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर सी, दूसरे का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी और फिफ्थ का ए। देख लो जी केस स्टडी और असम्पशन रीजन में कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दीज टू थिंग्स, असम्पशन रीजन एंड केस स्टडी। नहीं है तो एमसीक्यू देखो जी सेकंड वाला, सेकंड एमसीक्यू। अगेन डिजिट्स पर बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन को अब फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर दिया गया है। रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। पढ़ लो एक बार जरा ध्यान से क्वेश्चन को।
हाँ जी पढ़ लिया क्वेश्चन। हाँ जी पढ़ लिया सबने क्वेश्चन को। मुझे कहा गया रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 4:1। तो सबसे पहले मुझे वही चीजें लेट करनी है। यूनिट डिजिट हम लेट से एक्स ले लें, यूनिट्स डिजिट एक्स, टेंस डिजिट वाई। तो नंबर बोलेंगे जी सारे, व्हाट इज द नंबर? प्लस वाई एक्स प्लस एक्स। अब कंडीशन दी है रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स। रेशियो का मतलब सम एक्स 4x+1x। हाँ, मतलब एक्स यहां पे यूज कर चुके हैं तो हम उसको नहीं लेते। हमें कहा गया जो नंबर है और जो सम ऑफ डिजिट्स है इसकी रेशियो कितनी है? Yes. दिस इज 4:1। तो ये कंडीशन आ गई एक मेरे पास। क्वेश्चन में जो बोला गया सिर्फ उसको हमने मैथमेटिकली रख दिया और कोई काम हमने यहां पर किया नहीं। मुझे क्या कहा गया था? मुझे कहा गया रेशियो ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। अगर मेरे को 4:1 दिया है, आप जैसे कह रहे हो 4x और x आप लेके चल सकते हो, x यहाँ पे यूज कर लिया तो इसको से 4t और t ले लें, लेकिन मैंने यहाँ रेशियो की फॉर्म में रख लिया, इसे मुझे कॉमन रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, वो और बाद में जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या बोला गया? इफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, बताओ जी अब क्या करूं? डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। x+3=y। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। यूनिट प्लेस की डिजिट मतलब कि एक्स 3 ज्यादा है, ये ठीक है? नो कौन ज्यादा है? पहले यहां पे क्वेश्चन को पढ़ के समझो, यूनिट प्लेस वाला ज्यादा है कि टेंथ प्लेस वाला ज्यादा है? एक्स यूनिट वाला ज्यादा है, आपने ज्यादा में ही 3 ऐड कर दिए तो इसके बराबर कैसे पहुंच पाएगा? एक्स यहीं पे गड़बड़ करते हो। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3 जो आपकी यूनिट डिजिट वाली है नंबर, डिजिट इन द यूनिट प्लेस वो 10th प्लेस से 3 ज्यादा है, मतलब 10th प्लेस वाला कम है ये ज्यादा है। तो ज्यादा वाले में ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कम वाले में ऐड करेंगे तो इक्वालिटी बनने वाली है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई का रिलेशन यहां से, एक्स वाई का रिलेशन यहां से निकाल के आंसर बता दो सर। टेन वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई, सॉरी इसको इधर ले जाऊं, 6y इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो गई है? टू। x को यहां पर 2y डाल देते हैं, 2y इज इक्वल टू y+3, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू, और नंबर क्या बन जाएगा फिर? 3। 30।
इसका मतलब मेरा आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है जी, अभी इसके तीन एमसीक्यूज रह रहे हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो कुछ भी क्वेश्चंस किए, कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।